जनपद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में स्वाट सर्विलांस व अहिरौली बाजार की संयुक्त पुलिस ने पकड़ी 52 तिराहे के पास से 4 शातिर चोरों को एक बुलेरो व पल्सर के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि स्कूलों व पंचायत भवनों की रैकी कर रात्रि में लक्ष्य बनाकर गैंग लीडर सुगन गौड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन्वर्टर बैटरी व अन्य सामानों की चोरी कर फरार हो जाते थे। बरामद सामानों की कीमत लगभग 23 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2600 नकद बरामद हुआ। आपको बता दें कि स्कूलों के प्रबंधकों ने इस खुलासे से खुश होकर पुलिस टीम को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। पर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर बताया, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। कुशीनगर श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहिरौली बाजार स्वाट व सर्विलांस टीम ने एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है, जो कि विभिन्न स्कूलों में रात में चोरियां करते थे। इन गैंग द्वारा थाना क्षेत्र अहिरौली बाजार में 5 चोरियां की गई थी, जिसमें 5 मुकदमे पंजीकृत थे। उन 5 मुकदमों का अनावरण हो गया है। इस गैंग के 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुगन गौड़, योगेंद्र उर्फ जोगेंद्र, जावेद पुर सैयद अली एवं विक्की राव है। इनके पास से करीब 23 लाख का चोरी का माल एवं चोरी में प्रयोग किए जाने वाले जो भी टूल्स थे वो बरामद किया गया है। इनके पास जो बरामद किए गए हैं उसमें स्कूल से चोरी की गई बैटरी, इन्वर्टर, टीवी, कंप्यूटर, पावर सप्लाई, लैपटॉप, ये सब बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सर ने पूरी टीम को 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यह अलग अलग जगह सामान की बिक्री करते थे। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ऐसा तो नहीं है कि सामान जिन्हें बेचा करते थे उनका भी कोई रोल हो। अगर उनका रोल सामने आता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पेशेवर अपराधी हैं। इनके ऊपर जो गैंग सरगना है सुगन गौड़, उसके ऊपर चोरी के 15 मुकदमे इस जनपद में एवं अन्य जनपदों में पंजीकृत हैं।